तो स्वागत है एक नई वीडियो में। आज अपना दूसरा दिन मसूर में दवाई छींचने का अपना कार्यक्रम लगा हुआ है। पहले अपन घोल बनाते हैं, फिर चालू करते हैं कार्यक्रम को, बताते हैं आपको, बने रहे वीडियो में। डोज बन रहा है जी, आज अपन कम बना रहे हैं डोज। आधी वो डाल रहे हैं कि बड़ा डाल सकते हैं आप। 20 मधुमक्खी कैसे रस निकालती है सरसों के पेड़ में से, पौधे में से, देख सकते हैं आप। बनी गया है वो कार्यक्रम, चालू हो गया है, दवाई छिड़कना प्रारंभ हो चुकी है। ये इतनी रह गई अपनी नीचे तक ट्राली से, और नीचे तक ये खम्भा दिख रहा है ना, यहाँ तक रह गई है ये। और कल अपन ने इधर से डबरी की सीज से इधर ऊपर तक डाल ली थी, यहाँ तक ये बड़े पेड़ तक, बड़े पेड़ के यहाँ तक। और स्प्रिंकलर चिराई हैं अपनी, चली रही हैं भाई साहब। डबरी में पानी पर्याप्त नहीं है, इसलिए अपन 2 घंटे चलाते हैं सिर्फ चिराइयों को। तो भाई साहब कार्यक्रम लगा हुआ है, सरसों देख सकते हैं अब हमने, सरसों कितना रिस्क लेके उगाया हुआ था। पानी जब यहाँ तक था, ये सरसों के पेड़ दिख रहे होंगे, यहाँ हमने ये ढी पर चढ़ कर बोया था सरसों हाथों से, तो ये बढ़िया हो रहा है। ये सरसों की वैरायटी बहुत अनोख है, जब ये बड़ा बड़ा हो जाए जब बताऊंगा आपको कौन सी वैरायटी है। इसमें अलग से ही फल लगते हैं गुच्छे टाइप के। और ये कल का पिंडा डोरी का नली का डला हुआ है, अपन 2 घर ले गए थे, एक ये डला हुआ है। और ये मशीन रखी हुई है, इसको ले चलना है, ये टंकी ढक्कन के यहाँ अपन ले चलेंगे इसको घरम। मोटर दिखने लगी है तो अपन इसको कर रहे हैं बंद, क्या डबरी पाँ खाली हो गई है, 2 घंटे पूरे हो गए हों चलते चलते। एक दिन ये पाइप खुल गया था, देख सकते हैं आप कितनी गहरी खाई हो गई। मैं जा रहा हूँ बंद करने स्टेटर के पास, ये थोड़ा चुचाने लगा है मुंह पर, इससे मोटर का बेंड जो है फट गया है, लीक कर रहा है वो। भाई साहब इधर अपनी मसूर की कंडीशन थोड़ी डाउन है, और अपन इधर ट्राली के यहाँ आ गए हैं छींचते छींचते दवाई, इधर छिंच गई है सामने। तो अपन इधर अब आड़ी दवाई छींच रहे हैं, मतलब आड़े फेरों में, पहले ऐसे कड़े खड़े फेरों में छींच रहे थे, अब इधर आड़े फेरों में छींच रहे हैं। तो इसमें माहू इल्ली और एक पत्ती सूखने वाला रोग लगा हुआ था, जैसे ये पत्ती सूख रही हैं तो इसकी दवाई डाल रहे थे हम। ये उकसा तो पहले उकस गई, पहले मसूर देख सकते हैं आप, बहुत जम के उकसी थी पहले। ये अलसी, अलसी मिल गई है इसमें, देवड़ा भी मिला हुआ है, बटरी, 3-4 कॉम्बिनेशन की फसल हो गई है ये। इधर थोड़ी कमजोर रह गई मसूर ऊपर के मुकाबले, इधर ऊपर बहुत शानदार मसूर जमी हुई है अपनी, ठीक है। लेकिन आप सरसों देख सकते हैं हमारा, जो अपन ने डबरी खुदवाई थी उसकी जो मटेरियल, मतलब लाल लाऊ डला हुआ है, लाल लाऊ पर अपन ने सरसों बोया हुआ है, देख सकते हैं आप कंडीशन गाइज। ये करीबन 6 फीट हाइट लिए हुई है सरसों, रायडा रायडा। अपन ने इसमें 2 पानी कर दिए हैं, देख सकते हैं आप गाइज, मतलब इसमें कुंभ हो जा रहे हैं, ऐसा सरसों लगा हुआ है। ये लाल लाऊ डली हुई, इधर से क्या ट्रैक्टर निकल रहे थे तो अपने मेल पड़ोसी को ट्रैक्टर जाते थे इधर से, तो इस वजह से इधर नहीं हो पाया है रायडा। बाकी देख सकते हैं आप हाइट, इसमें जैसे कोई दुक जाए, मतलब छिप जाए तो मिलेगा नहीं अपन ढूंढने से, इतना बड़ा बड़ा है ये, देख सकते हैं। और इसमें जो माहू लगी हुई है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा गाइस, नहीं मसूर में डल गई दवाई, ले चलते हैं। बहुत भयंकर सरसों बना हुआ है, रायडा, रायडे की फसल बहुत खतरनाक है इस बार।
ये यहाँ तक है, देख सकते हैं आप गाइस, ये इतनी खाली जगह डली हुई है, ये कमज़ोर रह गया इधर पर, हो नहीं पाया इधर पर। डेरा बस ही लेके चले, देखते हैं चनों की कंडीशन। चनों में वैसे इली तो रहेंगे, हो सका तो डालेंगे चनों में दवाई भी। ये अपने चने हैं, ये इधर से चने लगे हुए हैं, और ट्रॉली दिख रही होगी आपको रखी हुई। भाई अब जे मटर में छिछ रही है दवाई, मटर बोया हुआ अपन ने 2 किलो, तो उसमें छिछ रही है, इली मिली सब मर जाएगी उसकी। और जे अपन ये ट्रॉली डली हुई है हमारी, अपन चलते हैं अब घर। चनों में मुश्किल है डाल रहे हैं अपन, हम शायद ही हैं। चना तो अब सही दिखा रहा है यार, घेटी पे डाल रहा हूँ, फूल पर डाल रहा है।